हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू अपने स्टाइल में। और इसके लिए सबसे पहले हमने अंडे को बॉईल करके लिया है और इसी में हमने अपने आलू को भी बॉईल कर लिया है। और फिर हमें चाहिए गरम मसाला और 2-3 मेथी दाने और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट हमने एक साथ करके लिया है। और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून टर्मरिक और सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ी सी हरी धनिया। हमारे तेल गरम हो रहा है, इसमें एग को बॉईल कर लेंगे। ये अपने आलू को भी इसमें तल लेंगे। और आप प्लीज़ ये थोड़ा सा इस टाइम जब फ्राई करें आप एग और पोटैटो तो थोड़ा सा दूर रहें, इसकी छींटे जो हैं ऊपर तक आती हैं, तो इस बात का आप पहले ध्यान रखें। और लुक एट दिस एग, ये हमारे जो एग हैं वो थोड़े से रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और जब हमारे एग रेड होने वाले हैं इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा निकलना वरना इसमें कर्रापन आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए देख सकते हैं आप ये कैसे उबल रहे हैं खचक खचक। और ये हमारे जो एग हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जब तक कि हमने कल जो रेसिपी डाली थी सोया गोश्त की, आई होप आपको वो वीडियोस अच्छी लगी। अगर आपको वो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए। और आपको जो रेसिपीज चाहिए हो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी, और आपको जो चाहिए हो बताइए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे हम आपकी डिश को पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और न्यू रेसिपीज आती रहेंगी। और अभी तो अंडा करी बन रही है और इसको ही आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको। तो ये जो हमारे अंडे आलू हैं जो हमने फ्राई करी थी वो फ्राई कर लिया है। और ये हमारे पोटैटो जो हैं फ्राई हो गए थे और हमारे एग ये फ्राई हो रहे हैं। और ये एग जो है वो हमारे फ्राई हो गए और इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसकी करी बनाएंगे और इसमें मेथी दाना डाल देंगे तेल में, जो हमारा तेल गर्म था पहले से ही। इसके बाद अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन पेस्ट डाल देंगे। इसमें अपना हमने सूखी हरी धनिया डाल दी है और उसके बाद रेड चिली पाउडर और टर्मरिक। सॉल्ट टेस्ट एंड सम वाटर। और इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। फिर इसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। और जब तक हम, जैसे कि हम आपसे हर बार बताते हैं, जब तक इसका अदरक लहसुन का कच्चापन ना चला जाए, जब तक हम इसको भूनेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पूरा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें अपने थोड़ा सा पानी लगा देंगे हल्का सा, और उसके बाद अपने अंडे और आलू डाल देंगे और फिर हमारी करी रेडी हो जाएगी। और ये हमारी जो करी है वो सब बिल्कुल भुन गई है और इसका कच्चापन भी चला गया और इसका तेल भी अब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल ऊपर आ गया है। और इसके बाद हम इसमें अपने एग और पोटैटो डाल देंगे। ऐसे बिल्कुल लपेट देंगे बिल्कुल इसमें स्पून से, और इसमें एग डाल देंगे अपने। और इसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल 1 कप करीब इसमें वाटर डाल देंगे। वाटर हम बाट में भी लगा सकते हैं। और हमारी अंडे करी जो है वो रेडी हो रही है। थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। और ये हमारी अंडा करी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको हम प्रेजेंट करेंगे। और हम अंडा करी जो है वो रेडी हो गई, उसमें अपना गरम मसाला डाल देंगे और इसमें अपनी हरी धनिया डाल देंगे हम। और ये हमारी अंडा करी, अंडे आलू का सालन कहिए या अंडा करी कहिए, अपने स्टाइल में वो रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो और आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और लास्ट में ही हमने बन के तैयार हुई है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करिए,
वरना हमारी वीडियोस आपसे मिस होती रहेंगी। और बेल आइकॉन पर प्रेस करके रहिए, हम सबसे पहले हमारी वीडियोस फ्री में बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो आप दुआ में याद रखिए। अल्लाह।